लोकप्रिय रूप से भगवान कृष्ण के बचपन के निवास के रूप में जाने जाने वाला वृंदावन हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। वृंदावन में आपको कई ऐसे मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे जो कृष्ण राधा जी को समर्पित हैं। तो चलिए आइए आज हम आप सभी को बांके बिहारी जी के दर्शन कराएंगे और वहाँ से कुछ रिलेटेड जानकारी भी आप तक शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आ गया हूँ भाई मथुरा, और मथुरा में वृंदावन में आप सभी को लेकर चलूंगा और वहाँ पर बांके बिहारी मंदिर लेकर चलूंगा और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराने वाला हूँ, वो भी बांके बिहारी में। बाकी दिखाएंगे भाई किस तरह जो है छोटी छोटी जो है संकरिया गलियों से निकल कर जो है हम मंदिर तक पहुँचेंगे बांके बिहारी तक, और वहाँ का कुछ इतिहास भी आपको बताएंगे बांके बिहारी मंदिर से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट जो आज के व्लॉग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भाई अगर आप बांके बिहारी मंदिर तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय एरोप्लेन आ रहे हैं तो आपको जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक उतरना पड़ेगा। वहाँ से मंदिर की लगभग दूरी 161 किलोमीटर रहेगी। अगर आप रेलवे स्टेशन के थ्रू आना चाहते हैं तो आपको जो है रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है जो देश के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बांके बिहारी मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त स्वामी हरिदास जी को श्री कृष्ण के अवतारित मंडल की ललिता सखी का अवतार माना जाता है। स्वामी हरिदास जी की भक्ति के आगे समर्पण करते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ निधि वन में साक्षात प्रकट हुए। हालांकि दिव्य जोड़ों की सुंदरता और आकर्षण इतना अधिक था कि निश्वर प्राणी इसे सहन करने में सक्षम नहीं थे। इसे देखते हुए स्वामी जी ने राधा कृष्ण से धन और दामिनी की तरफ एक एकीकृत रूप लेने का अनुरोध किया। अपने भक्त के अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री श्याम बांके बिहारी जी एक काली आकर्षक मूर्ति में विलीन हो गए। जिनकी आज भी मंदिर में पूजा की जाती है। बिहारी जी की सेवा का उत्तरदायित्व स्वयं स्वामी हरिदास जी ने गोस्वामी जगन्नाथ को सौंपा था और परंपरा के अनुसार आज भी ठाकुर जी की सेवा गोस्वामी जगन्नाथ जी के वंशजों द्वारा की जा रही है। और अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके दर्शन काफी अलग ही तरीके से किए जाते हैं। बताया जाता है कि दोस्तों अपनी पारंपरिक आदित्य बांके बिहारी जी मंदिर में पीठासीन देवता श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कभी भी निरंतर नहीं होते हैं, लेकिन उनके ऊपर खींचे गए पर्दे के कारण बीच बीच में रुक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों अगर आपने 10 मिनट भी बांके बिहारी जी की आंखों में देख लिया तो बांके बिहारी जी प्रेम के भूखे हैं। अगर उनको आपका प्रेम भाव अच्छा लगा तो वो आपके पीछे चल देंगे। तो इसलिए उनके आंखों के और आप सभी के आंखों के सामने बार बार पर्दा डाला जाता है कि जिससे कि बांके बिहारी जी के सामने कोई आंखों में आंखें डालकर ना देख सके। अब चलिए आपको बताते हैं भाई बांके बिहारी मंदिर की वास्तुकला कैसी है। बाकी ड्रेसेस देख सकते हैं भाई श्री कृष्ण भगवान की। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर का निर्माण 1862 में किया गया था। पारंपरिक में भगवान की पूजा निधिवन के एक मंदिर में की जाती थी। बाद में नए परिसर को पूरा होने के बाद श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली में की गई है। मेहरबा खंभे और इसकी भव्यता को बढ़ाती है। मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया, ये आप देख सकते हैं भाई दोस्तों, ये देख सकते हैं मंदिर में प्रवेश कर लिया। एक ये है एंटर करने का और एक दो तीन गेट है मंदिर में एंटर करने के, और एक गेट नंबर 5 है। कोई नहीं आ रही इधर से।
भाई भीड़ देखिए। Thank you.